रहा है मेरा आपकी कृपा से सब काम हो। जिसको लगता है हमारे सभी काम गुरु महाराज की कृपा से, माँ शेरावाली की कृपा से, कन्हैया की कृपा से, जिसको भी जो जो मानता है अपने इष्ट देवता और सभी ने अपने गुरु धारण किए होते हैं, उस बालक के चरणों में एक छोटी सी अरदास, उसके बाद जैसा महामाय का हुक्म होगा महामाय को मनाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, कर गए हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, कर गए हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, कर गए हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हर काम हो से, कन्हैया की कृपा से, माँ शेरावाली की कृपा से, बालाजी की कृपा से होते हैं, तो एकदम सीधे हाथ अपने गुरुओं के लिए, अपने गुरुओं के लिए, क्योंकि गुरु से बढ़कर मुझे नहीं लगता कोई हो सकता, गुरु का ज्ञान नहीं, गुरुओं का हाथ जिन भक्तों के, जिस भी इंसान के सबके ऊपर होता है वो भव से पार हो जाता है। बोल सच्चे दरबार की बटाइयों के साथ, मेरा आपकी कृपा से हो रहा है, करते हैं गुरुजन
गाना शेरों वाली का क्योंकि दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। दरबार तेरा दरबारों में एक खास अहमियत रखता है। हर चीज उसे मिल जाती है जो लेने की नियत जो भी जिस भी नियत से जिस भी आस्था से दरबार में जाता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बोले सच्चे हैं दरबार की, लेकिन सब्र होना बहुत जरूरी है। पेशेंस जिस इंसान के अंदर है वो हमेशा आगे पहुंचता है। जो सोचता है कि मैं एक ही बार सारी सीढ़ियां ऊपर चढ़ जाऊं वो कभी नहीं है, एक दम फिर वो नीचे आता है। बोले सच्चे हैं दरबार की, थोड़ा थोड़ा करके इंसान आगे बढ़ता है। बोले सच्चे हैं दरबार की, हमें सब मिलकर कहना है क्या, हम मैया देने वाली है हम भी लेने वाले हैं। मैया देने मैया देने वाली है हम भी लेने वाले हैं। मैया देने आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं, तो जिसे चाहिए वो हाथ। क्या बात है, मेरे को लग रहा है आगे वालों को चाहिए सर, पीछे वाले हड़ताल पे बैठे मुझे ऐसा लग रहा है ना जी। जिन्हें चाहिए वो महामारी से मांगे, ढोलियां फैलाए और ये कहे क्या, वो जिसे चाहिए वो हाथ दे खाना, वो खाना जिसे चाहिए वो हाथ दे खाना, वो खाना जिसे चाहिए वो हाथ दे खाना। भैया देने वाली है हम भी देने वाले, भैया देने वाली है हम भी देने वाले, भैया देने वाली है हम भी देने वाले, भैया देने वाली है हम भी देने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना, आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ इनको सबसे पहले चाहिए। मॉनिटर सबसे आगे बैठता है, क्लास में इसलिए आगे बैठे। जिसे चाहिए वो हाथ को किसने तुमको रोका है, आज अच्छा मौका है किसने तुमको रोका है। बिल्कुल बिना शर्माना, बिल्कुल बिना शर्माना। जिसे चाहिए वो क्या बात है, सभी की बैटरी लो होती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है बैटरी लो होती जा रही है। अभी 10% आते आते फोन बंद हो जाएंगे सबके। बहुत सच्ची है दरबार की, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए वो हाथ उठाना।
मामाई के परिवार, शर्मा परिवार और पूरा परिवार मामाई के चरणों में बैठा है। मामाई से क्या कह रहे हैं, क्या कहेंगे कि देर न हो जाए कहीं देर, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए, देर न हो जाए कहीं देर न हो जाए। थोड़े ज्यादा है मेरे का इरादा है, थोड़े ज्यादा है मेरे का इरादा है, सबसे पहले नंबर लगाना, सबसे पहले नंबर लगाना। अभी तरह बोलो बोले जिसे चाहिए वो हाथ भैया को दिए सबसे पहले। वैसे ही लगन बहुत है पूरे परिवार को, शर्मा परिवार को, भैया को, मेरे भैया को, सभी को बड़ी लगन है। मेरी संतनियों को बोल सकते हैं दरबार की, वरना कोयले हाजिरी लगाते हैं जहाँ भी हम जो कि या जागरण करने जाएं। बब्बर शेर फिर भी थोड़ा शर्माते हैं, लेकिन ये मैंने ऐसे पहले देखे हैं कि माँ भाई को दिल से मना रहे हैं, हाजिरी लगा रहे हैं। बोल सकते हैं दरबार की, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, उठाना जिसे चाहिए, बोले सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। क्या बात है, जयकारे में दम नहीं। सच्चे दरबार की, दरबार की। तो आइए एक भजन मान माई को मनाते हुए उसके बाद नाचते गाते हुए पूरा परिवार शर्मा परिवार लांगुरिया महाराज के चरणों में हाजिर लगाएंगे। पर मिलकर कहना क्या, सज धज के बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए। अगर आप गौर से देखो महामाई की मूर्त को तो बाकी मंद मंद मुस्कुरा रही है महामाई, है ना जी। बिल्कुल मेरे साथ कहें क्या, सज धज के बैठी माँ और मंद मंद मुस्काए, सज धज के बैठी माँ। मैंने कहा था ना थोड़ी देर बाद फोन बंद हो जाएंगे, वही हो रहा है। आओ नजर उतारे मैया की, आओ नजर उतारे, तो कहीं माँ को नजर ना, वो शेरा वाली को नजर ना। जब बच्चा पैदा होता है, जैसे छोटी सी हमारी गुड़िया की मम्मी सुबह नहा धुला के अच्छे से रगड़ कर काला टीका लगाती हुई, कहीं नजर ना लग जाए किसी, है ना जी। बोल सच्चे दरबार की, ऐसे ही आपने महामाई की नजर उतारनी है। भजन के अंदर मैं आपसे कुछ देखूंगा भक्तों की कितना ध्यान है भक्तों का, कुछ प्रश्न भी पूछूंगा, देखते हैं जवाब देते नहीं देते, है ना जी। सालों के को नजर ना, शेरा वाली को नजर ना, शेरा वाली को नजर ना। ये तो वैसी सिंगर बन चुकी है। बोले सच्चे दरबार की, सज धज के बैठी माँ मंद मंद मुस्काए,
मेरी भोली भाली मैया को है ना जी ना ना जी ना जी ना नहीं मेरी भोली भाली मैया को भक्तों की नजर ना लग जाए सज भज के बैठी माँ पीछे वाले बताएंगे इस प्यारी प्यारी पायल को वो तो अगर 10 मिनट ना देखो तो सो भी जाएंगे पीछे वही कहता बिछाएंगे और सो जाएंगे बोल सच्चे हैं दरबार की इस प्यारी प्यारी पायल को। अभी हमने अष्टमी और रामनवमी पे क्या पूजी थी है ना कन्या पूजी थी ना कंज को की नजर ना लग जाए अभी जो हमारे फर्स्ट फ्लोर पे भैया बैठे हैं सभी ये बताएंगे हाँ जी बताइए मेरी मैया की नीला न्यारी है तेरी सुंदर शेर सवारी है इस जग की पालनहारी को हाँ जी इस जग की पालनहारी को कभी कभी होता है ना कि खुद की भी नजर लग जाती है बच्चों को है ना जी कहीं खुद की नजर ना लग जाए सारे बोलो जरा मिलकर बोलो सारे बोलो जरा मिलकर बोलो मकस निवारे माँ पार उतारे देवी माँ भोली। अभी नवरात्रों में हमारा नजमगढ़ के अंदर जागरण था मैं यही वाला भजन गा रहा था तो मैंने जब ये बोला जरा प्रेम से बोलो सभी बोल रहे थे पूरे भक्त जितना पंडाल पूरा भरा था सभी बोल रहे थे एक अम्मा बैठी थी पीछे कोने पे वो ना बोले मैं बड़ा परेशान मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया भाई कि मैं सही गा रहा हूँ नहीं गा रहा मुझे खुद को कंफ्यूजन होने लग गई तो मैंने पूछा अम्मा क्या हुआ कह रही कुछ ना बेटा बहुत बढ़िया गा रहा गा फिर मैं चालू हो गया जरा प्रेम से बोलो सभी बोले वो ना बोले अब तो भैया पानी बिल्कुल सर के ऊपर से अब मैंने आखिरकार पूछ लिया मैंने अम्मा क्या हुआ समझ रही कह रही ना बेटा बहुत अच्छा गा रहा मैंने फिर क्या हुआ कह रही तू कह रहा प्रेम से बोलो प्रेम से बोलो सामने प्रेम बैठा सुबह मेरी प्रेम से लड़ाई हुई है तू कह रहा प्रेम से बोलो मैं ना बोलती प्रेम से मैंने कहा अम्मा उस वाले प्रेम से नहीं मामाई के प्रेम से तब वो जाकर सुबह तक आरती तक मेरे साथ जय माता दी करती रही एकदम सीधे हाथ और तालू के साथ बजेरा प्रेम से बोलो आज एक बार शर्मा परिवार खड़े होकर आए हाँ
मुझे लग रहा है सिर्फ इन्हीं भक्तों को खुशी है, बाकी भी मैं चाहता हूँ खड़े होकर आए। भैया की सभी बहनें, भाभियां, मासी, चाची, ताई, बुआ, भीतर पूरा परिवार ही आगे आगे बैठे हैं। हाँ जी, आज खड़े होकर आओ, सुनवाओ मत, आ जाए। पांचवें करो लांगुरिया महाराज, पांचवें करो, बोलो लांगुरिया महाराज की। आइए लांगुरिया महाराज को मनाते हैं। हाँ, ये ऐसी संतनियां चाहिए, ऐसे भक्त चाहिए। बाकी भी खड़ी हो जाए, आने वाली बहनें सभी आ जाए, मेरी माताएं बहनें। मेरे को तो सभी इतने परेशान परेशान से लग रहे हैं जैसे राशन का। Thank you.
एक बार बाबूजी के लिए तालियां बजाएं। हाजिरी हो तो ऐसी कि मॉर्निंग वॉक के साथ मॉर्निंग वॉक और हाजिरी के साथ हाजिरी। ये बात ऐसे ही भक्त चाहिए, बोल सकते हैं दरबार की सेहत के साथ सेहत और हाजिरी के साथ हाजिरी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही देख रहा था बाबूजी को। बहुत प्यारे भक्त हैं, बहुत श्रद्धा वाले लगन वाले भक्त हैं, सभी सुनने वाले हैं, बोल सकते हैं दरबार की। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए सभी। क्या बात है, बड़ी प्यारी। पुत्र पवन सुत नामा जय हनुमान। तालियां दूर दूर को
देखो आप लोग ताली बजाओगे तो हमारे भक्तों के अंदर होश आता है। भजन में होके मगन देखो घुमरू बांध ना दे अंजलि।
किशन ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले दे मामाई सभी अपने बच्चों को दर्शन देने आती है, वो जो झोलियां भरवाने आए हैं मिलकर मेरे साथ मामाई को मनाना है। और यही कहना है क्या कि इस बार माँ आ जाओ फिर आके चली जाना, जाने नहीं देंगे हम, तुम जाके तो दिखलाना। हर कोई भक्त चाहता है कि मामाई एक ना एक दिन हमारे घर आए। इसके बाद खाटू जी के चरणों में फरमाइशें हैं, नाश्ते गाते खाटू जी को, लागुरिया महाराज को, जोगिनी
मामाई के चरणों में दो दो जोगनी के बीच अकेलो लांगुरिया लांगुरिया महाराज को भी मनाएंगे बोल सकते हैं दरबार की जय के चली जाना जाने नहीं देंगे माँ तुम जाके तो दिखना के आजा के जिंदगी का पहलू बदल न जाए कहीं तेरे तेरे हाथे मेरा दम निकल न जाए बुलाना है और ये गाने का उस बार में आ जाओ उस बाहर में आ जाओ तेरी आके चली जाना बाहर में आ जाओ आकर चली जाना बाहर में आ जाओ तेरी आके चली बाहर में आ जाओ चली जाना जाने नहीं देंगे माँ
तुम जाके तो दिखलाना, एक बार मां आ जाओ, आके चली जाना। आइए आप खड़े होकर आ जाए, फरमाइश की थी, नाचते गाते आ जाए, खड़े होकर आओ। खाटू जी के चरणों में फरमाइश की थी इन्होंने, बाकी भक्त भी खड़े हो जाए इनके साथ, आ जाए। जो तो मेरे खाटू जी को मानते हैं, जो शाम प्रेमी है, एक बार खड़े होकर आए, आ जाओ। जो तो मेरे शाम प्रेमी है, जो तो मेरे कन्हैया को, और ये देखो कितनी प्यारी प्यारी कचके। जब अष्टमी वाले दिन, नवमी वाले दिन ढूंढने जाओ तो मिलती नहीं, बड़ी मुश्किल से मिलती है, पकड़ के लाना पड़ता है ना जी। लेकिन आज देखो कितनी प्यारी प्यारी गंज के बाबाई के चरणों में विराजमान है। गायन के निर्देशक निर्माता, गायन के मम्मी पापा आए, मम्मी पापा आए इनके, एक बार आ जाए। इनकी मासी ना, चाची, ताई, बुआ सभी आ जाए प्यारी प्यारी गंज को। और इन्होंने फरमाइश की है, खाटू जी के चरणों में पूरी करता हूँ। कैसे काम तुम्हें मेरे बाबा, मैं ही तो बच्चा हूँ।
लांगुरिया की फरमाइश किसने की थी मुझे, लांगुरिया की आप दोनों ने पांचवे से हो, पांचवे ना आ जाए, कितने फरमाइश की थी आपने। Oh,
से बदरिया हवा की भी है चुनरिया सावन की बरसे बदरिया हवा की भी है चुनरिया लाल चला मैया का जम 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 के बादल में करके बिजुरिया।